उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलने का सिलसिला जारी है। चाहे मंदिर हो या मस्जिद, किसी भी परिसर में अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। आज राजधानी लखनऊ में अमीनाबाद में पुराने हनुमान मंदिर परिसर में बने कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाया गया। लखनऊ के अमीनाबाद के पुराने हनुमान मंदिर परिसर में बने कॉम्प्लेक्स को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। यह कॉम्प्लेक्स अवैध रूप से पार्क की जमीन पर बनाया जा रहा था। 10,000 स्क्वायर फीट में बन रहे कॉम्प्लेक्स को ढहाने का काम सुबह से शुरू हुआ है। इस दौरान नगर निगम के अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि आज हम अमीनाबाद में चल रहे अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला रहे हैं। जोन 1 में स्थित मंदिर की आड़ में यह अवैध निर्माण हो रहा था। नगर निगम ने संज्ञान लेकर के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू की है। बेसमेंट के साथ 2 मंजिला निर्माण किया गया था, जिसको जमीन दोज में किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक श्री महावीर मंदिर ट्रस्ट अमीनाबाद के ट्रस्ट अशोक पाठक ने प्राचीन हनुमान गढ़ी मंदिर परिसर के पार्क में अवैध निर्माण शुरू किया था। इसे रोकने के लिए कई बार नगर निगम और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोटिस दिया था। अपर नगर आयुक्त अभय पांडे ने कहा कि नोटिस के बाद भी अवैध निर्माण जारी था, जिसे जमीन दोज कर दिया गया है। इससे पहले कानपुर में एक मदरसे के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। घाटमपुर के इस्लामिया मदरसे में सरकारी जमीन पर निर्माण कराए गए हिस्से पर बुधवार को SDM अनूप चौधरी ने भारी फोर्स के साथ बुलडोजर चलवा दिया। हालांकि मदरसे के प्रिंसिपल का कहना है कि ये जमीन हमारी निजी है। इस दौरान पुलिस कर्मियों से मदरसे के लोगों की काफी नोकझोंक भी हुई। इंतजार अहमद का आरोप है कि जिस जगह पर बुलडोजर चलाया गया वह मेरी निजी भूमि है। उन्होंने अपने सामने पुनः नाप कराए जाने की मांग की। इस पर SDM खाटमपुर आयुष चौधरी ने पुनः नाप झोप कराए जाने का आश्वासन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।